आखिरकार राजगढ़ जिले की पचोर शहर की जनता ने ट्रेन को रोक ही दिया। फिर क्या हुआ आगे देखिए। इतने में कुछ भी समझ नहीं आएगा, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यह फाटक विगत कई सालों से बंद है, जिसको खुलवाने के लिए कॉलोनी वासी परेशान चल रहे हैं। कल सुबह दो व्यक्तियों की अचानक रेलवे फाटक क्रॉस करते वक्त घटना में मृत्यु हो गई है, जिसके बाद से कॉलोनी वासी एवं शहर में आक्रोश छाया हुआ है। आज कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन दिया, उसके पश्चात कॉलोनी वासियों ने रेलवे फाटक के वहां पर ट्रेन को रोकना उचित समझा और ट्रेन को रोक दिया गया। अधिकारी की सूझबूझ से सभी को पटरी से हटाया गया और रेल को निकलने दिया। इसके बाद क्या हुआ पूरा वीडियो कर लीजिए।
पहले रुकेगी। रेलवे के ठेकेदार हूँ, ये इससे करो मांग बात, ये आए वहाँ सही आ रहा है, चार होने आ रहा है। हाँ अरे अभी आप क्या कह रहे हैं, रेलवे के ठेकेदार ठेकेदार हूँ, नमस्कार। केस बना दे मेरे ऊपर, बना दे कोई दिक्कत नहीं, जाए और कुछ देंगे वहाँ पेश करने पहुँच जाए, कोई समस्या नहीं है भाई। दोनों परिवार को मुआवजा मिल जाए, तो दो परिवार उनको भी तो कोई आगे पीछे नहीं है, दोनों को मुआवजा मिले और गेट खुले, उनका तो हाथ इन लोगों के हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल, मध्य प्रदेश शासन में घोषणा करवा दो, कौन नेता इधर बुलाओ, नेता जी को बुलाओ, इधर आ जाओ, अधिकारियों का नाम बतवा दो, सुनो आ जाओ सर, इनको जो मुआवजा मिलना है क्या होगा वो फैसला होगा, वो हम नहीं कर सकते, लेकिन आपके ऊपर एक कस दूसरा केस दर्ज आप करना बताओ, कर दीजिए। क्या नाम है? कोई दिक्कत नहीं, नाम बताओ आप। नहीं नहीं एक डिपेंड हो रहा है, नाम बताओ, नाम बताओ, जान गई है तो जान गई, तो उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, मुश्किल हो जाएगा अभी आप कर रहे हैं, लोग इतने नहीं आएंगे आपके पास, मैं बोलना लिख के दे रहा हूँ, हाँ आपके साथ ही नहीं आएगा, बोलते रहेंगे आइए सभी वार्ड क्रमांक 3 के माताएं बहनें पचोर के सभी युवा साथी सभी ने मिलकर अभी ट्रेन रुकवाई, क्योंकि कल हमारे दो भाई ट्रेन से कट गए हैं, तो हमारा गेट खोला जाए,
और इसी में तहसीलदार महोदय सौरभ वर्मा जी ने आश्वासन दिया कि दोनों भाइयों को मुआवजा दिया जाएगा। और कलेक्टर साहब से बात हुई और कलेक्टर साहब ने डीएराम अधिकारी से बात की और जल्दी ही गेट को ओपन किया जाएगा। जी, शहर कांग्रेस ने आज किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया है? कल रेलवे क्रॉसिंग पर पुनः एक दुर्घटना हुई जिसमें दो नौजवानों ने अपनी जान से हाथ धोया। हम काफी समय से मांग कर रहे हैं, सभी के पास जा चुके हैं, रहवासी बहुत परेशान हैं। फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए, अन्यथा चौकीदारों की नियुक्ति करके गेट को खोला जाए, अन्यथा हम बड़ा आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। जनता बेहद परेशान है, वहाँ पर लूटपाट की भी काफी घटनाएं हो चुकी है। उस तरफ एक बड़ी आबादी निवास में एक महाविद्यालय भी है, एक सरकारी स्कूल भी है, निजी स्कूल भी संचालित होते हैं और राजगढ़ विधानसभा के बहुत से गांवों का एक ऐसी समस्या है जिसने आम जन को बेहद परेशान कर रखा है। शीघ्र अगर इस समस्या का हल नहीं हुआ तो शांतिपूर्ण तरीके से अभी हमने ज्ञापन दिया है, धरना देंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे। इसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। मैं पुनः निवेदन करता हूँ शासन से, शीघ्र इस मामले पर बड़ा कदम उठाए। इस मामले को लेकर कांग्रेस पुनः फिर एक बड़ा आंदोलन करेगी। काम करते तो उसको।